मैनपुरी में उपचुनाव में जीत दर्ज करने के बाद सोमवार को समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने शपथ ली थी। डिंपल यादव सैफई परिवार से मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद लोकसभा में एकमात्र सांसद है, जिस वजह से माना जा रहा था कि नेताजी की जगह लोकसभा में पार्टी का नेता डिंपल यादव को नियुक्त करने की चर्चा चल रही थी। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। अखिलेश यादव ने पार्टी के सांसद डॉक्टर एसटी हसन को लोकसभा में पार्टी का नेता नियुक्त किया। उन्होंने लोकसभा के महासचिव को इस संबंध में पत्र लिखा। सपा प्रमुख के इस फैसले के पीछे एक खास वजह मानी जा रही है। दरअसल राज्य में बीजेपी का खासा जोर पासमानदा सम्मेलन पर है, जिसके जरिए वह मुस्लिम वोटर्स को टारगेट कर रही है, जिससे पार्टी मुस्लिम बहुल सीटों पर भी जीत दर्ज कर सके। जबकि दूसरी ओर बीएसपी ने भी दलितों के साथ मुस्लिमों को पार्टी से जोड़ने का काम किया है। बीते दिनों पहले इमरान मसूद ने बीएसपी का दामन थामा था। इमरान मसूद को पार्टी में शामिल होने के बाद पश्चिमी यूपी में संयोजक नियुक्त किया था। वहीं अब यूपी नगर निगम चुनाव से पहले पूर्व सांसद अतीक अहमद के परिवार के बीएसपी में शामिल होने की खबर है। सूत्रों के अनुसार उनकी पत्नी को बीएसपी प्रयागराज से मेयर का टिकट दे सकती है। ऐसे में सपा के साथ ही राज्य की दो अन्य बड़ी पार्टियों का खासा जोर मुस्लिम वोटर्स को अपने पाले में लाने का है। दूसरी ओर एसटी हसन मुरादाबाद से सांसद है। यह सीट पश्चिमी यूपी का हिस्सा है। दरअसल ऐसे में बीएसपी के इमरान मसूद को एसटी हसन की सीधी चुनौती मिल सकती है। दोनों ही पश्चिमी यूपी से आते हैं और इनकी मुस्लिम नेताओं से अच्छी पकड़ है। बता दें कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने मुरादाबाद के सांसद एसटी हसन को लोकसभा में पार्टी का नेता नियुक्त किया है। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद यह पद खाली चल रहा है। एसटी हसन को जिम्मेदारी के बहाने सपा ने कोर वोट बैंक को भी सहेजने की कोशिश की है। सपा के 2019 में लोकसभा में 5 सांसद थे, उस समय मुलायम पार्टी के नेता थे। 2022 में अखिलेश यादव के करहल और आजम खान के रामपुर से विधायक चुने जाने के बाद इस्तीफे के चलते आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीट खाली हो गई थी। उपचुनाव में पार्टी से इस बचा नहीं पाई, लिहाजा संख्या घटकर 3 रह गई। मुलायम की मैनपुरी सीट से डिंपल यादव के चुनाव जीतने के बाद पार्टी की लोकसभा में 3 की संख्या बरकरार है। लोकसभा में सपा के पास हालांकि नेता चुनने के लिए बहुत विकल्प मौजूद भी नहीं है। एसटी हसन के अलावा संभल से सांसद शफीकुर रहमान बर्क और नवनिर्वाचित डिंपल यादव में से ही पार्टी को किसी एक को नेता चुनना था। मैनपुरी से मुलायम की विरासत लेकर लोकसभा पहुंची डिंपल को यह जिम्मेदारी देने पर परिवारवाद के आरोप मुखर होने का खतरा था। वहीं सामाजिक समीकरण भी प्रभावित होते। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।